विधायक व दिल्ली विधानसभा मुख्य सचेतक प्रतिपक्ष अजय महावर ने अपनी गोंडा विधानसभा के यमुना विहार के शहीद भगत सिंह पार्क कार्य का शिलान्यास किया। स्थानीय RWAS व स्थानीय निवासियों ने पूर्व में किए गए दौरे के समय पार्क की दीवार, पार्क की फेंसिंग व पार्क के फुटपाथ के जर्जर को देखा गया था। लगभग 25 लाख की लागत से 2 माह में निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। स्थानीय लोगों व पार्क की समिति ने विधायक अजय महावर का जीर्णोद्धार कार्य को शुरू कराने पर धन्यवाद किया। शहीद भगत सिंह पार्क की दीवार की ऊंचाई को बढ़ाने, पार्क के फुटपाथ को बदल कर नई फुटपाथ के पत्थर बदलने व पार्क की सुरक्षा हेतु फेंसिंग के कार्य को विधायक निधि से नगर निगम द्वारा करवाया जाएगा। विधायक अजय महावर ने इस मौके पर सभी को बधाई प्रेषित की व अधिकारियों को तय समय में अच्छी गुणवत्ता के साथ कार्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर साथ में जिला अध्यक्षा पूनम चौहान, निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता, पुनीत गाबा, मुकेश गोयल, मनी गोयल, दीपक जैन, प्रिंस अग्रवाल, सचिन गोस्वामी, विपिन शर्मा, अजय मोहन भारद्वाज व अनेक साथी रहे। दिल्ली से आर सोनी न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल के साथ नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। जय श्री राम। फाइलों में बार बार रिविजन आ रहा था और फिर ये गायत्री मंत्र चले गए, फिर नारियल फोड़ेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सब प्रभ निर्विघ्नम कुरुमे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम। जय श्री राम। इधर ला भाई मनी जी और पूनम जी, आप लोग को अब हमारी लड़ाई जो है अभी से हमें कमर कस रही है। लोकसभा का चुनाव है, फिर विधानसभा का चुनाव है, अभी कल्याण रह गया है और सारे कार्यकर्ता सब कमर कस ले। यहाँ पर केवल इंजन मेरी सबसे ये अपील है। अच्छा कल अभी कल्याण जी है इसलिए मैं बोल देता हूँ। वो तो हमारे जी कल, हाँ आप बताइए कल जो है यमुना विहार की जो सीजीएस डिस्पेंसरी है उसकी समस्या हम लगातार 2-3 बार कोशिश की थी। मैं पहले केंद्रीय मंत्री जी के पास ले भी गया था इनको, कल इनका डेलीगेशन लेकर मैं केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी के पास गया था, उसमें आप भी थे और पूरी बात आप लोग करके आए हो। मंत्री जी ने और मंत्री जी का दौरे के लिए भी आमंत्रित किया मैंने, केंद्रीय मंत्री जी ने इनके सामने इनके सारे 4 पॉइंट थे, 4 पॉइंट को एग्री किया है। एग्री करके उन्होंने कहा कि मैं त्वरित एक्शन लूंगा और यमुना विहार के डिस्पेंसरी का स्टैंडर्ड को डबल कर दूंगा और उसमें आयुष के लिए भी हमने निवेदन किया था कि आयुष का होम्योपैथिक आयुर्वेदिक का काम शुरू हो, तो उसका प्रोसेस के लिए भी मंत्री जी ने कल डाल दिया है। लगातार चेंज करते करते मैंने तीसरी मीटिंग कराई है ये और कल ये सक्सेसफुल मीटिंग रही है जिससे आप साक्षी रहे। देखिए हमारी जो इस भगत सिंह पार्क की कमेटी है, एसके पंडित जी, हमारे सोलंकी जी और हमारे C8 और C9 के RWAS के जो लोग हैं, आदरणीय भटनागर जी खड़े हैं, भट्ट साहब खड़े हैं, C9 के भी फेडरेशन के लोग खड़े हैं, सबकी ये डिमांड थी। तो इसके हम 3-4 काम हमने अभी चिन्हित किए हैं। ये है हमारे यमुना विहार का सबसे बड़ा पार्क है, मेरी विधानसभा का सबसे बड़ा पार्क है। तो इसके जितनी भी फुटपाथ हैं पूरा जर्जर हो चुका है, खराब हो चुका है, तो लोग चल नहीं पा रहे हैं। तो पूरा फुटपाथ नया बदला जाएगा,
जिसकी सी आठ की और ज्ञान दीप जो स्कूल है हमारा उसके पीछे बच्चे बहुत कुत्ते हैं, बाउंड्री काफी डाउन है, तो वो दोनों तरफ की बाउंड्री को ऊंचा किया जाएगा जिससे उस सी नौ के लेवल के बराबर आ जाए। ये अलग अलग तीन तरह की बाउंड्री हो रखी है उसमें। और भगत सिंह जी जो हमारे नेशनल हीरो हैं, युवाओं के आइकॉन हैं, उनका एक शिलालेख और उस पर उनकी जीवनी भी होगी, उनका चित्र भी होगा, वह इस पार्क में लगेगा। इसके साथ ही कुछ सेट्स वगैरह जो हैं वो ठीक होंगे। कुल मिलाकर लगभग 25 लाख रुपए की लागत के साथ, 25 या 26 27 लगभग इतना ही होगा लागत के साथ, यह कार्य 60 दिनों का समय मैंने अधिकारियों को दिया है निश्चित समय में इसको पूरा करने का। इस पार्क पंडित प्रधान शहीद भगत सिंह पार्क समिति खुशी जाहिर करता हूं कि आपके मध्य में हमारे क्षेत्र के आदरणीय विधायक अजय महावर जी, आदरणीय श्री प्रमोद गुप्ता जी और मैडम शायद चली गई हैं हमारी जिलाध्यक्ष बीजेपी की। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं करता, काम में विश्वास करता हूं, लेकिन चूंकि ये बीजेपी पार्टी इस पार्क के लिए जनता के लिए अच्छा काम कर रही है जो मुझे बहुत प्रिय है, अच्छे लगते हैं, मैं तहे दिल से सबका आदर करता हूं। आज इन्होंने अपना व्यक्तिगत समय देकर, व्यक्तिगत अटेंशन देकर करीब 25-30 लाख रुपया पार्क के विकास के लिए स्वीकृत कराया है। मैं हृदय से पार्क समिति के बेस पर आधार पर, साथ में मेरे सोलंकी जी खड़े हैं, उपाध्यक्ष हैं मेरे साथ रमेश सोलंकी जी, सभी मिलकर हम पार्क समिति वाले आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आपने समाज के लिए जनहित में सदा कार्य किए हैं, जो बीजेपी का एक लक्ष्य है, उसी लक्ष्य पर आप चल रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। परमात्मा इस तरह आपको अग्रसर करे और गरीब जनता की, वांछनीय जनता की सेवा आप करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में योजनाएं और चलेंगी, काम वो भी काफी बाकी है। मैं इन सभी के समक्ष आपसे प्रार्थना भी करता हूँ कि इन कामों को भी जल्दी पूरा कराएं जिससे कि हम लोगों को, घूमने वालों को, क्योंकि 12-13 कॉलोनी के लोग इस वृत्त पार्क में आकर स्वास्थ्य लाभ करते हैं, उनको ये लाभ मिलता रहे और साथ में आपको उनकी दुआएं, उनका नेतृत्व आप करते रहे, आपको लाभ मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद। नगरी कहा जाता है और यमुना विहार का जो केंद्र है वो इसके जो सुंदर 81 पार्क यहाँ पर है वही यमुना विहार का मेन दिल है और यहाँ लोगों को भी आप क्राउड देखेंगे सबसे ज्यादा यहाँ मिलेगा। बाकी एरिया के सभी लोग इस चीज से थोड़ा ईर्ष्या भी रखते हैं कि सबसे ज्यादा पार्क यमुना विहार में है। तो आज मैं विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने फिर से इस पार्कों के सौंदर्यकरण के ऊपर अपना पूरा जोर दिया है। इनके विकास में जो भी टूट फूट है, जो भी यहाँ पर चाहे इनका पथ खराब हो, बाउंड्री वॉल ऊपर करनी हो, फेंसिंग हो, और अभी एक उन्होंने बहुत अच्छा कार्य भी किया है कि यमुना विहार के 20 पार्कों में जो लाइटें 9 मीटर पर थी उन्हें 6 मीटर पर ला दिया, जिससे कि डार्क स्पॉट सारे पार्कों में खत्म हो और जो अपराध होता था उसकी आड़ में वो भी समाप्त हो। तो आदरणीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत उनको साधुवाद भी देती हूँ कि जनता ने जिस लिए इन्हें चुना है उसके लिए ये पूरी तरह तत्पर है। और जैसे कि कहा है कि गोंडा विधानसभा में कभी भी विकास का कार्य रुका नहीं, जब चौहान साहब थे तब भी नहीं और अब अजय महावर जी हैं वो भी काम रुकना नहीं चाहिए, ना ही वो रुका है ना ही वो रुका था, जिस दिन से बने हैं उस दिन से लगातार विकास के कार्य कर रहे हैं। बीच बीच में पार्टी है कहीं कहीं जिम्मेदारियां देती है लेकिन उन्हें पूरा पूरा निभाते हुए फिर भी विकास का कार्य आगे बढ़ रहा है। इसके लिए मेरे क्षेत्रीय विधायक अजय महावर जी का और मेरे निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता जी का जो इनका पूर्णतया सहयोग करते हैं, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और क्षेत्र की जनता इनसे खुश है इसीलिए इन्हें भारी मतों से जिताकर यह विजय भी बनाती है और आगे भी इसी तरह जनता का भरपूर प्यार इन लोगों को मिलता रहेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। प्रमोद जी क्या कहेंगे, लगातार जो जिम्मेदारी आपको थी, आपको जो समस्या थी निगम से फंड से संबंधित, विधायक जी के साथ आप लोग मिलकर क्षेत्र को विकसित कर। देखिए पैसे का काम पैसे से ही चलता है। पिछले 5 वर्ष जो दिल्ली की सरकार और निगम के अंदर जो लोग थे उसका बिल्कुल तालमेल नहीं रहा और तालमेल ना रहने का एक तरफा सोच रही दिल्ली की सरकार की हिटलर शाही की, न बजट देना न कामों को होने देना, हमेशा होता आया है, आगे भी ऐसा हो सकता है और इसमें कोई जनमानस का, जनता का चुनने का तरीका है
दो अलग अलग तरह अलग अलग विचारों की सरकार हो सकती है, मगर सबका उद्देश्य एक होना चाहिए, जनता का काम। मगर यहाँ दिल्ली में पिछले काफी समय से देखने आया है कि कामों में बाधा डालने की कोशिश की जाती है। जैसे विधायक जी बताए, हमारे विधायक जी लगातार क्षेत्र को लेकर फाइलें लेकर जाते हैं, मगर इस दृष्टि से देखा जाता है यहाँ पर इस दल का नेता है, इस दल की विधायक है, इस दल का पार्षद, तो अड़चन लगाने की कोशिश की जाती है। ऐसी कुंठित और संक्रमित मानसिकता के साथ दिल्ली सरकार के साथ जूझते हुए काम करना पड़ रहा है, मगर इस क्षेत्र के लोगों ने अथाह प्रेम विश्वास दिया है, तो हमारा तो कर्तव्य है, चाहे उस सरकार के गले तक पहुंचना पड़े, चाहे कैसे भी करना पड़े, अपने क्षेत्र के लोगों का काम करा रहे थे, करा रहे हैं और बचे हुए कार्य भी कराएंगे।